हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैतीस रेसिपी। फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए हमें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लेकिन ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के बाद आपको हर एक रेसिपी का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी ऐसी है जो आप उपवास में खा सकते हैं। जब भी आपने फास्ट किया है तभी अगर आपको मूंगफली खानी है तो आपको मार्केट में ढूंढना जाना पड़ेगा, या तो फिर बहुत दिनों से लेके रखे हैं तो वो घर पे ही अगर खुली रह गई है या एयरटाइट कंटेनर में पैक नहीं है तो वो एकदम सौगी हो गई होगी, तो वो खाने का मजा नहीं आता है। तो आज हम बनाते हैं मार्केट में मिलती हुई सॉल्टेड जो मूंगफली है वैसी ही मूंगफली, लेकिन घर में एकदम शुद्ध तरीके से और एकदम ही फ्रेश। तो फ्रेंड्स, अभी हम बनाएंगे मूंगफली को, लेकिन ये कच्ची वाली मूंगफली है। जो दाना हमें मार्केट में मिलता है वही दाना हमने ले लिया है कच्चे वाले। इसे हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से पहले इसका एक प्रोसेस करना है ताकि जो अंदर का खस्तापन है वो आए। कभी आप मूंगफली अगर सॉल्टेड वाली मार्केट से ली हुई खाएंगे तो उसके अंदर एक दरदरापन आता है, एक फ्लफीनेस हुआ रहता है, तो वो फ्लफीनेस अगर हम ऐसे ही रोस्ट करेंगे तो नहीं आएगा। इसीलिए हमें ये मूंगफली को बॉईल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक कप मैंने मूंगफली लिया है और उसे हम एक कप पानी के अंदर बॉईल करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बर्तन में मैंने पानी ले लिया है, मूंगफली डूबे उतना पानी लेना है, एक कप या फिर आपके मेजरमेंट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकता है, लेकिन पूरी मूंगफली उसके अंदर डूब जानी चाहिए। जैसे ही एक बार पानी गर्म हो उसके अंदर हम ऐड कर देंगे मूंगफली और उसे अच्छे से बॉईल करेंगे। अराउंड 5 से 6 मिनट तक हमें इसे बॉईल करना है। तो फ्रेंड्स, अराउंड 4 से 5 मिनट ये हमारी मूंगफली है वो बॉईल हो चुकी है, और आप देख सकते हैं जैसे ही मूंगफली पकने लगेगी तो ऊपर फ्लोट करने लगेगी और उसकी साइज भी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट हमारी जो मूंगफली है वो बॉईल होके रेडी है, बस अभी इसे हम निकालेंगे पानी से। तो फ्रेंड्स, अभी हमें पानी से निकाल लेना है। जब भी गरम गरम है पानी तभी हमें इसमें से निकाल लेना है मूंगफली को, और एक बार अच्छे से थोड़ा सुखाना है, थोड़ी सी उसकी जो नमी है वो निकल जाए, इसीलिए हम कपड़े के ऊपर फैला देंगे और 5 मिनट के लिए ही हमें सुखाना है, और ज्यादा नहीं सुखाना है बिकॉज गरम गरम है तो उसकी भाप भी बहुत जल्दी निकल जाएगी। फ्रेंड्स, जब तक हमारी मूंगफली ठंडी होती है 5 मिनट के लिए, तब तक हम सॉल्ट को भी गर्म कर लेते हैं। ये सॉल्ट के अंदर हमें मूंगफली को रोस्ट करना है। हमने पानी में भी सॉल्ट नहीं डाला था इसीलिए बिकॉज ऑफ हम सॉल्ट के अंदर ही रोस्ट करने वाले हैं। तो ये सॉल्ट मैंने यूज किया हुआ है। आप ऐसे ही एक आधा किलो या 1 किलो जितना सॉल्ट को आप ऐसे ही बार बार यूज कर सकते हैं, या तो फिर फ्रेश सॉल्ट भी ले सकते हैं। नॉर्मल जो हम नमक यूज करते हैं वही नमक ये है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी मूंगफली है ऑलमोस्ट सूखी हो गई है। उसे हम हाथ में लेंगे तो बिल्कुल भी हमारा हाथ जो है वो गीला नहीं हो रहा है। तो ठंडी भी हो गई है और सूखी भी हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फूल के और पक गई है ये मूंगफली, और जो हमारा सॉल्ट है वो भी रेडी हो गया है गर्म होके। तो अभी हम गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे, और एक बार सॉल्ट जैसे ही गर्म हो जाता है उसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और उसमें रोस्ट करेंगे। बस हमारा जो सॉल्ट है वो गरम हो गया है। हमने गैस की फ्लेम को एकदम स्लो पे रख दिया है अभी, और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा मीडियम गैस करेंगे, और मीडियम आंच पे ही हमें ये मूंगफली को भुनना है। तो एक साथ में ही सारी मूंगफली इसके अंदर ऐड कर देते हैं हम, और फिर हम इसे रोस्ट करेंगे धीरे धीरे।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे ही हमने नमक के अंदर मूंगफली डाली तो पूरा नमक जो है वो कोट कर लिया है, मूंगफली के ऊपर सब कोट हो गया है। तो जैसे जैसे ही मूंगफली भुनने लगेगी उसका छिलका जो है क्रिस्प होने लगेगा वैसे ही ये नमक जो है वो निकलने लगेगा और हमारी एकदम क्रिस्पी क्रंची मूंगफली रेडी होके तैयार होके रेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स हमें इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू स्टर करते रहना है, चलाते रहना है। अगर हमने एक जगह पे छोड़ दिया तो हीट की वजह से मूंगफली जो है वो ब्लैक भी हो सकती है, जल सकती है, इसीलिए कंटिन्यू हम स्टर करते रहेंगे और हल्के हल्के क्रिस्प होने लगेगी हमारी मूंगफली। फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट हो गई है और हमारी मूंगफली जो है वो हल्की हल्की चटकने लगी है, तो इट्स अ साइन कि वो रोस्ट अच्छे से हो गई है। लेकिन 1-2 मिनट के लिए अभी भी हम रखेंगे ताकि ऊपर का छिलका जो है वो अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन हो जाए और वो इजीली निकल जाए। इसीलिए फ्रेंड्स एकदम ही मस्त से ऑलमोस्ट डन हो गई है। आप देख सकते हैं जो भी मूंगफली का छिलका जो निकल गया है वो अच्छे से बादामी कलर का हो गया है और बहुत ही अच्छे से मूंगफली जो है वो रोस्ट हो गई है। तो बस अभी हमें निकाल लेना है नमक के बाहर और फिर इसे ठंडा होने देना है। एक झाली वाले बर्तन से या तो फिर आप स्पैचुला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हो सके उतना नमक जो है वो निकाल लीजिए, छान लीजिए। फ्रेंड्स ये अभी खस्ता होगी बिकॉज अभी गर्म है और ठंडी होने के बाद और भी क्रंची होने वाली है हमारी मूंगफली। तो फ्रेंड्स ये हमारी मूंगफली ठंडी भी हो गई है और एकदम क्रिस्पी हो गई है, आप आवाज सुनिए उसका एकदम क्रंच और उसका छिलका भी मार्केट की मूंगफली जैसे ही एकदम ही इजीली निकल जाता है। आप देख सकते हैं एकदम ही इजीली आपका छिलका भी निकल जाएगा और बहुत ही अच्छे से हमारी मूंगफली जो है वो रोस्ट होके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं उसका जो अंदर का कलर है वो भी एकदम ही बादामी कलर आ गया है। तो ये हमारी फ्रेश और एकदम ही मजेदार क्रंची मूंगफली रेडी है। तो फ्रेंड्स 10 से 15 मिनट में आपकी आधा किलो जितनी मूंगफली जो रोस्ट होके तैयार हो जाती है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी जैसे बाजार में मिलती है। तो फ्रेंड्स जरूर बनाइएगा ये चातुर्मास या तो श्रावण महीने में, जब भी आपको उपवास हो और आपको घर का ही कुछ फ्रेश खाना है तो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा। देखते रहिए मेरा चैनल तरतीस रेसिपी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसी ही मेरी नई नई रेसिपी आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। थैंक यू।